सबको सब्सक्राइब करना है। अरे तुम लोग एक ही पर व्हाट्स अप यूट्यूब, स्वागत है आप सबका इस चैनल की फिफ्थ वीडियो में। टुडेज व्लॉग इज ऑल अबाउट नेशनल म्यूजियम सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली एंड हम ऑलरेडी लेट हैं, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ वीडियो फ्रॉम द जर्नी इटसेल्फ। सो निकलते हैं इस ट्रैफिक से एंड मिलते हैं आप सबको आज की लोकेशन पे। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं नेशनल म्यूजियम एंड सामने है टिकट काउंटर। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट गेट नंबर 3, जहां पर आपको पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी। सो फटाफट से टिकट लेते हैं एंड चलते हैं अंदर। सो गाइज, अगर बात करें टिकट प्राइस की तो इट्स अबाउट 20 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड फॉर फॉरन नेशनल्स इट्स अबाउट 650 रुपीज़। सो गाइज, हम एंटर कर चुके हैं नेशनल म्यूजियम में एंड द ब्लू प्रिंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली वॉज प्रिपेयर्ड बाई मॉरिस गेयर कमिटी इन 1946। On August 15, 1949, the National Museum, New Delhi, was inaugurated in Rashtrapati Bhavan by R.C. Rajagopalacharya, the Governor General of India. The foundation of the present building was laid by Pandit Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India, on May 12, 1955. The first phase of National Museum building was formally inaugurated by Dr. S. Radhakrishna, the Vice President of India. The second phase of building was completed in 1989. The museum currently holds approximately 2 lakh objects of diverse nature, both India as well foreign origin. At present, National Museum is under the administrative control of Ministry of Culture, Government of India. सो गाइज, बिफोर एंटरिंग द मेन बिल्डिंग, हमें बाहर की साइड पे काफ़ी सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं ऑफ वीरभद्र, नटराज, भैरव, शिव, गणेश, सुब्रमण्यम, काली एंड मंडप पिलर। सो गाइज, हम कर चुके हैं एंटर मेन बिल्डिंग में एंड सामने हमें देखने को मिलता है एक होलोग्राम विच इज शोकेसिंग स्कल्पचर्स ऑफ पार्वती फ्रॉम 11th सेंचुरी। सो गाइज, ये है यहाँ पे कॉरिडोर एरिया जो कनेक्ट करता है मेन बिल्डिंग से, जहाँ से हम अपने नेशनल म्यूजियम टूर की शुरुआत करेंगे। एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे भी काफ़ी स्कल्पचर्स हैं एंड शिवानी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स ऑफ इट। सो इन सब स्कल्पचर्स का डिटेल पार्ट आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखेगा। ये है यहाँ का ग्राउंड फ्लोर और जल्दी से इसका ओवरव्यू दिखाती हूँ और फिर चलती हूँ इसके डिटेल पार्ट।
सो गाइज अभी हम हैं ग्राउंड फ्लोर पर और ये है यहाँ का डेकोरेटिव आर्ट सेक्शन पार्ट वन. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस. सो गाइज अब हम एंटर कर चुके हैं डेकोरेटिव आर्ट सेक्शन पार्ट टू में. सो गाइस अब हम एंटर कर चुके हैं ट्रांसक्राइब सेक्शन में जहां पर हमें देखने को मिलता है द स्टोरी ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट्स दैट इज इवोल्यूशन ऑफ वेरियस लेटर्स एंड टुवर्ड्स द एंडिंग वी हैड अ ग्लिम्स ऑफ स्टोरी ऑफ इंडियन कॉइन्स. सो गाइज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सेक्शन दैट इज़ इंडियन पेंटिंग सेक्शन. यहाँ पर मेजॉरिटी में मुझे मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिली. दीज आर कलरफुल हैंडमेड पेंटिंग्स मेड ऑन वेरी स्मॉल स्केल स्पेशली फॉर बुक्स और एल्बम्स. So now we are entering into the bronze sculpture section. सो गाइज ये सेक्शन शोकेस करता है स्कल्पचर्स ऑफ गुप्ता एरा एंड अर्ली मिडिवियल हिस्ट्री. This room is full of sculptures belonging to the later medieval period. So now we have entered in the room full of archaeological remains dated 3000 BC, that is from the earliest civilization known to mankind, that is Harappan civilization.
तो गाइस ग्राउंड फ्लोर तो हमने कर लिया है एक्सप्लोर और अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर। यार ये तो राइम बन गया यार। ये है ट्राइबल रूम जहाँ पर आप देख सकते हैं वेरियस ट्राइब्स और उनकी ड्रेसेस अलोंग विद द गुड्स ऑफ देयर डेली यूजेस। तो अब हम पहुंच चुके हैं सेकंड फ्लोर पर एंड द मोमेंट वी रीच्ड हियर वी रियलाइज दैट कंपाइलिंग ऑल द आर्टिफैक्ट्स इन अ सिंगल वीडियो इज नियर टू इम्पॉसिबल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर व्हाट आर हिस्ट्री होल्ड्स यू मस्ट ट्राई दिस प्लेस। तो गाइस ये है यहाँ का सेंट्रल एरिया। इसका ले ना। सो गाइज अब हम चलते हैं सीधा बाहर टू एक्सप्लोर एडिक्ट्स ऑफ अशोका एंड टेम्पल चैरियट। तो गाइस आज इतना सारा क्राउड हमें सब्सक्राइब करने वाला है यूट्यूब पे। सबको सब्सक्राइब करना है। दीदी दीदी सबको सबको दो। इतना सारा क्राउड ऐसे हमें सेलिब्रिटी ट्रीट करा दिया यार। सब ऐसा लग रहा था मैं ऑटोग्राफ दे रही हूँ बट भाई है अच्छा चैनल का प्रमोशन हो गया। हाँ सो गाइज आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपने भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर कि आप मीम्स एंड मसल यूट्यूब पे सर्च करो
और आपको वीडियो भी मिल जाएगी, चैनल भी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइज, आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वी रियली होप यू विल लाइक दिस वीडियो एज वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू कैप्चर ईच आर्टिफैक्ट्स वी कुड। सो इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू द सेम, दैट इज प्रोफेशनल वीडियोग्राफी ऑफ दिस प्लेस, काइंडली टेक द रिटन परमिशन फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। टिल देन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।